बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई कैसे हैं आप लोग? रटना नहीं समझना है, लेक्चर 5 का पार्ट 3 जो है वो हम करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और जर्नी फ्रॉम विजिबल टू इनविजिबल का पार्ट 3 भी करेंगे और इसको फाइनल भी करेंगे, आज फाइनल भी करेंगे, ताकि फिर अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ आ जाएं। ये मिटा दूं मैं, ठीक हो गया। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर नोट करना है आपने और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ शेयर कर लूँ। इससे पहले 18 वीडियोस जो हैं बनाई हैं मेरे दोस्त हैं अब्दुल माजिद चांडियो, सऊदीया में होते हैं, उनकी कुछ प्रिजर्वेशंस थी। उन्होंने कहा कि हम सर्च करते हैं जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें एक वीडियो मिल जाती है, उसके ऊपर हम जो है वो ख़ास ख़ास चीज़ें देख लेते हैं और मसला हल हो जाता है। वाकई उनकी बात सही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना सब कुछ 18 वीडियोस एक टॉपिक पे बना देना वो आसान काम तो नहीं है, उसके अंदर कितनी चीज़ें होंगी। उन्होंने मुझे कहा इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक वीडियो जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर थी उसमें हर एक वीडियो बड़ी स्ट्रक्चर्ड है और उसमें जो है वो यकीनन कंसर्न है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से ही, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हमने उसमें देखी थी और उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब को भी हमने डिस्कस किया था, हमने लाइट का कॉन्सेप्ट भी समझा था, हमने जो है कई सारे कॉन्सेप्ट समझे थे, हमने फील्ड का कॉन्सेप्ट समझा था, चार्ज पार्टिकल्स चार्ज बॉडीज़ का कॉन्सेप्ट समझा था, कई चीज़ें उसमें ऐसी थी। तो मैं वाकई सोचने लगा, मैंने बोला यार ये बात बहुत सही है, लेकिन फिर मेरे जहन में एक बात आई। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने बोला यार देखो वही बात है, जो बच्चे आएंगे जो लोग आएंगे जिनको शॉर्ट टर्म में चाहिए होगा वो शॉर्ट टर्म में लेके वीडियो यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं चले जाएंगे, और जो वाकई समझना चाहते हैं वो मेरे साथ रहेंगे, वो मेरे साथ रहेंगे और समझेंगे। और बड़ा हेल्प करते हैं अब्दुल माजिद चांडियो साहब, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो लुक ऑब्ज़र्वेशन करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें और मुझे गाइड करते रहते हैं उसके हवाले से। काफ़ी मिस्टेक्स उन्होंने मेरी हाईलाइट की और बताया कि इनको ठीक करें, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहरहाल तो बात यह है कि नाक मत कटवा दीजिएगा मेरी, इतनी वीडियोज़ अगर बन रही हैं तो इनको देखें ज़रूर, सीखें ज़रूर, कुछ तो सिखाया है उसके अंदर। 18 वीडियोस जो बनाई हैं और ये भी पता नहीं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कोई एक चीज़ भी इससे रिलेटेड ऐसा नहीं होगा कि इससे रिलेटेड ना हो, इससे रिलेटेड है सब कुछ, इससे रिलेटेड है ये जर्नी फ्रॉम विजिबल टू इनविजिबल पार्ट 3। और इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, मुझे आपकी लाइक भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी शेयरिंग चाहिए। नॉलेज को पहुँचाएँ बच्चों तक और उनको बोलें सीखें ये, ठीक है भाई। बहरहाल पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं, अब फाइनल करते हैं इसको। यहाँ पर हमने विजिबल और इनविजिबल पार्टिकल्स की तरफ आ गए। इनविजिबल पार्टिकल्स में हमने मॉलिक्यूल एटम फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक गए और सब एटॉमिक पार्टिकल्स से आगे हम जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल और हैड्रॉन्स यानी कि कंपोजिट पार्टिकल्स तक गए। और कंपोजिट पार्टिकल यानी कि हैड्रॉन्स की हमने दो टाइप्स देखी, ऑर्डिनरी हैड्रॉन्स और एक्जोटिक हैड्रॉन्स। फिर ऑर्डिनरी हैड्रॉन्स के अंदर हमने दो टाइप्स और देखी, बैरियंस और मीजोंस, और उनकी हमने एग्जाम्पल्स भी देखी। पार्ट 2 इसका देखिएगा, आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो। अब जो है आगे चलते हैं, ये बड़ी अहम एक और पार्टिकल है जिसको ग्लियोन कहा जाता है। ये भी क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये कौन सा पार्टिकल है? क्या ये कंपोजिट पार्टिकल है? ये एलिमेंट्री पार्टिकल है। क्यों एलिमेंट्री पार्टिकल है? क्योंकि ये और किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बना, पहली बात। दूसरी बात, ग्लियोन का वर्क या टास्क क्या इसका कोई काम भी है? जी, इसका काम वही है, ये वॉल है और इसके अंदर ये ब्रिक्स हैं, है ना। वॉल किससे मिलके बनी है? ब्रिक्स से मिलके बनी है। तो ब्रिक्स मिला दूं मैं, वॉल बन जाएगी? नहीं, थोड़ी देर बाद गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि सीमेंट तो लगाया ही नहीं,
सीमेंट तो लगाया ही नहीं, सीमेंट लगेगा तो जुड़ेंगी ना, जोड़ना भी तो है, सिर्फ मिलाना थोड़ी है ब्रिक्स को, इनको जोड़ना भी है, तो वो सीमेंट लगेगा तो ये जुड़ जाएंगी। अब हम ज़रा जब प्रोटॉन की तरफ चलते हैं, एक तो प्रोटॉन किससे मिलके बना है, तीन क्वार्क से मिलके बना है, दो अप हैं इसके अंदर और एक जो है वो डाउन क्वार्क है। ये तीन क्वार्क हैं, ये इसकी पिक्चर में यहाँ बना दूँ, ये तीन, ये पूरा का पूरा क्या है, प्रोटॉन है और ये तीन क्वार्क से मिलके बना है। तो ये मिलना सिर्फ मसला हल नहीं होगा, जैसे यहाँ ब्रिक्स को मिला दिया आपने, इससे मसला हल नहीं होगा, इनको जोड़ना भी तो पड़ेगा सीमेंट लगा के। तो बिल्कुल इसी तरह तीन क्वार्क्स को आपने मिला तो दिया है, उससे प्रोटॉन बन तो गया, लेकिन ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा क्योंकि इसमें सीमेंट तो आपने लगा ही नहीं। क्या अल्लाह ताला ने इसमें कोई सीमेंट लगाई है? जी, इसकी सीमेंट जो है, जिसने इन तीन क्वार्क्स को आपस में बांध के रखा हुआ है, वो सीमेंट ये रही प्लियोन, ये वो सब एटोमिक पार्टिकल है जो कि इनको बांध के रखता है, ये ग्लियोन, इसका ये काम है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक हो गया भाई। तो ग्लियोन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या हेड्रॉन है? नहीं। क्या एलिमेंट्री पार्टिकल है? जी बिल्कुल एलिमेंट्री पार्टिकल। कहाँ होता है ये हेड्रॉन्स के अंदर होता है, कंपोजिट पार्टिकल्स के अंदर होता है। क्या काम करता है ये सीमेंट का काम करता है पार्टिकल, और ये जोड़ के रखता है किनको? क्वार्क्स को। ठीक हो गया भाई बात, यहाँ तक ये ग्लियोन की बात भी हो गई। अब ज़रा आगे जो है वो न्यूक्लियॉन की तरफ चलें। न्यूक्लियॉन क्या है? ये भी पार्टिकल्स, ये भी पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स हैं? लिव्स, जो रहते हैं इन न्यूक्लियस, जो भी न्यूक्लियस के अंदर रहते होंगे वो सब के सब क्या है? न्यूक्लियॉन्स हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से रहते हैं, नोट कर लिया, मिटा दूं? न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से रहते हैं, अब जरा हम चेक करें पार्टिकल्स को, चेक करते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन है? नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में नहीं रहता, ये तो बाहर होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियॉन है, बिल्कुल न्यूक्लियॉन है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है। तीसरी चीज़, न्यूट्रॉन क्या न्यूक्लियॉन है? जी बिल्कुल, ये भी न्यूक्लियॉन है क्योंकि ये भी न्यूक्लियस के अंदर रहता है। आगे चलते हैं, क्वार्क्स, क्वार्क्स क्या न्यूक्लियॉन? बिल्कुल न्यूक्लियॉन है। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर रहते हैं? क्वार्क्स प्रोटॉन के अंदर रहते हैं, और प्रोटॉन किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो ये भी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं क्वार्क्स भी, तो ये भी क्या हुए? ये न्यूक्लियॉन्स हुए। और आगे चलते हैं, और क्या है हमारे पास? हमारे पास जो है वो ग्लियोन्स। ये पार्टिकल कहाँ होते हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर जो क्वार्क होते हैं उनके दरमियान होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। तो ग्लियोन भी, ग्लियोन सॉरी, ग्लियोन भी कहाँ है? न्यूक्लियस में ही है। तो ये क्या है? ये भी न्यूक्लियोन है। ठीक है भाई, तो ये न्यूक्लियोन, ग्लियोन भी न्यूक्लियोन हो गया। ठीक है, आगे और देखें, पियोन्स, ये क्या है? ये भी एक पार्टिकल है। ये जो है हमारे पास कौन सा पार्टिकल है? एलिमेंट्री पार्टिकल है या फिर ये हाइड्रोन है? ये हाइड्रोन है हमारे पास। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया, मिटा दूँ इसको अब। यहाँ पर ये फाइनली जो है वो अब हमने डिस्कस कर लिया, अब इसकी थोड़ी सी समरी कर दें। ये सारी तफसील बताने का मकसद ये था कि आपको पार्टिकल्स की दुनिया का पूरा जो है वो एक ओवरव्यू मिल जाए कि कहाँ तक हम चले गए हैं। अभी ये बात मुकम्मल नहीं हुई, इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आराम से। ठीक है, अब हम देखें ज़रा और क्या है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो गया, ये भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई इसकी, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, हैड्रॉन्स, मीजोन्स, बैरियोन्स,
क्वार्क्स सब के सब हो गए। अब मेरे ख्याल में मज़ीद जो है इसके ऊपर हमें कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको प्रोटॉन जो है वो इसको देख लेते हैं और न्यूट्रॉन को देख लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं और पियॉन्स को देख लेते हैं और हैड्रॉन्स को देख लेते हैं और क्या है गैलियॉन्स को देख लेते हैं, इसको हमने देखा है, और क्या है न्यूक्लियॉन्स, इनको देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये तो आप बड़े फैमिलियर हैं इससे, इससे फैमिलियर नहीं है, इससे फैमिलियर नहीं है, और क्या है क्वार्क। ये वो सारे नए नाम हैं जो कि अभी आपने सुने हैं। ठीक है, इयॉन्स भी हो गए, हेड्रॉन्स, गैलियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, क्वार्क। ठीक है, प्रोटॉन की तरफ चलें, एलिमेंट्री पार्टिकल है या फिर कंपोजिट पार्टिकल, या हमारे पास कंपोजिट पार्टिकल है यानी कि ये हेड्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या है ये भी हेड्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है ये हेड्रॉन नहीं है बल्कि ये क्या है एलिमेंट्री पार्टिकल है, पियॉन क्या है ये भी हेड्रॉन है, और उसके बाद हेड्रॉन्स क्या हैं सब एटॉमिक पार्टिकल है, और कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल, एलिमेंट्री या कंपोजिट, कंपोजिट पार्टिकल, यानी कि कंपोजिट पार्टिकल्स को ये हेड्रॉन्स कहा जाता है। गैलियॉन्स क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल में ये एलिमेंट्री पार्टिकल है या कंपोजिट पार्टिकल है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है। कहाँ होते हैं ये न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियॉन्स भी कहलाते हैं। और उसके बाद न्यूक्लियॉन्स क्या है वो सारे पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्वार्क्स क्या हैं ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे मिल के क्या बनते हैं हेड्रॉन्स बनते हैं। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, पार्ट थ्री को फाइनल कर देते हैं यहीं पर। अब ज़रा हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ चलेंगे, जर्नी फ्रॉम विजिबल टू इनविजिबल, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, आसिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए, नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।